Welcome to Doubt Forum. In this video, we will solve linear equations. Ko solve the linear equations given are 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals minus 25, and we have to find out the value of x and y. So this is the first part of the problem, and the second part of the same problem is that we also have to find out the value of m for which a condition y equals mx plus c is given. चलिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को नीचे राइट डाउन कर लेंगे और इसको मार्किंग कर देंगे इक्वेशन नंबर वन और टू सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ये दोनों क्वेश्चन में दी हुई हैं टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन वी विल यूज द दूशन मैथड सब्सटी मैथड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे सब्सटीट्यूशन मैथड में क्या होता है कि इक्वेशन वन और टू में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को हम एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे चलिए इक्वेशन वन को हम एक्स के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वॉट वी कैन डू दैट एक्स का जो टर्म है टू एक्स इक्वल्स इलेवन माइनस थ्री वाई हमने इक्वेशन वन को मॉडिफाई कर रहे हैं टू एक्स इक्वल्स इलेवन माइनस थ्री वाई फर्दर एक्स के साथ टू है तो एक्स टू को हम अपोजिट साइड में डिवाइड कर देंगे सो दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन नंबर थ्री सब्सिट्यूशन मैथड का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप ऑफ सब्सिट्यूशन मैथड इज दैट द वैल्यू ऑफ एक्स विच वी हैव ड्राइव फ्रॉम इक्वेशन वन विल वी विल प्लेस्ड दिस वैल्यू इंटू इक्वेशन टू सो अब हम एक्स की वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करेंगे और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई सो देखिए इक्वेशन टू है टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स माइनस ट्वेंटी फाइव इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे टू इंटू एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री से जो निकल के आई वो है इलेवन माइनस थ्री वाई अपॉन टू माइनस फोर इंटू वाई दिस इज इक्वल्स माइनस ट्वेंटी फोर ओके अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दिस टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड वॉट वी विल गेट इलेवन माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई इक्वल्स माइनस ट्वेंटी फोर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट इलेवन माइनस माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई विल मेक माइनस सेवन वाई इक्वल्स माइनस ट्वेंटी फोर ओके उसके बाद इस इलेवन को हम अपो इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सो वी कैन राइट माइनस सेवन वाई इक्वल्स Minus 24 minus eleven or minus seven y equals minus thirty-five. Then y equals minus thirty-five upon minus seven. It is seven, hai. Par divide kar diya. Minus minus get cancelled, and after dividing thirty-five by seven, we will get five. So five is the value of y. So एक्स और वाई में हमें वाई की वैल्यू मिल गई एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट वी विल डू दैट वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ वाई विच वी जस्ट गेट इनटू इक्वेशन नंबर थ्री तो वाई की वैल्यू 5 आई है और इस की y 5 की वैल्यू वाई इक्वल्स फाइव हम इक्वेशन नंबर थ्री पे पुट करेंगे और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं सो so, x इक्वल्स 11 माइनस थ्री इंटू वाई वाई इक्वल फाइव ये हमको यहाँ से वाई इक्वल फाइव मिला इक्वेशन नंबर तीन पर पुट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टू एज इट इज हमने इक्वेशन नंबर तीन को लिख दिया बाय रिप्लेसिंग वाई विद फाइव ओके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट इलेवन माइनस फिफ्टीन अपॉन टू और फर्दर सॉल्व करने से हमको मिलेगा माइनस फोर अपॉन टूर फोर एक्स इक्वल माइनस टू यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है और हमारे पास वाई की वैल्यू भी है तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया एक्स और वाई की वैल्यू हमने वाई सब्टिट्यूशन मेथड निकाल ली सेकेंड पार्ट में कह रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस थ्री इज गिविन सो वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस थ्री इज गिविन और हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एम देखिए इस इक्वेशन में हमें वाई की वैल्यू मिल गई एक्स की वैल्यू मिल गई So if a unknown hai, you have y uh, sorry m so we can easily find the value of m by putting the value of x and y so what we will do that we will put the value of y as five equals m into we can replace x with minus two minus two plus three five equals minus two m plus 3 or we can write it as minus 2m equals 5 minus 3 or minus 2m equals minus 2 sorry plus 2 or m equals 2 upon minus 2 which is minus 1 okay so the, the value of m which we get from this equation is minus one so this is how we can solve the the problem so i hope you have the question so thank you for watching if you have any doubt please write it on the comment section we will definitely try to solve it so please subscribe to our channel next video till then bye bye